आज की जो हमारी क्लासेस में हम पीएचपी का थोड़ा प्रैक्टिकल देखेंगे। पीएचपी का असाइनमेंट नंबर जो 38 है वो हम करेंगे। क्लियर है? असाइनमेंट नंबर 38 में आप देखिए क्या लिखा हुआ है। राइट ए पीएचपी स्क्रिप्ट टू गेट ए लार्जेस्ट की इन एन एरे, या आप एरे में लार्जेस्ट एलिमेंट को आपको ढूंढना है। यहाँ पे की को छोड़ते हैं, एलिमेंट की बात करते हैं अगर हम, तो लार्जेस्ट एलिमेंट को हम कैसे ढूंढ सकते हैं किसी एरे में। चलिए आइए देखते हैं कि लार्जेस्ट एलिमेंट को ढूंढने का कंसेप्ट क्या होता है। सबसे पहले उसको समझते हैं फिर कोड करेंगे। कि आपके पास एक एरे है, मान लेते हैं हमारे पास एक एरे है और इस एरे में कुछ एलिमेंट्स हैं। इसकी साइज़ हम 5 ले लेते हैं, मान लो इसमें 5 एलिमेंट है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारे पास 5 एलिमेंट का एरे है और इसमें मैं कुछ एलिमेंट भी रख देता हूँ, जैसे 6 यहाँ पर रख देते हैं हम लोग, 4 फिर यहाँ पर रख देते हैं, 2 यहाँ पर रख देते हैं, 1 और इस तरीके से हम यहाँ पर कुछ चलो यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं 1। क्लियर? ये कुछ एलिमेंट्स हैं। तो जो पहला वाला जो एलिमेंट है इसका इंडेक्स क्या होगा? 0। इसका इंडेक्स होगा 1, इसका इंडेक्स होगा 2, इसका इंडेक्स होगा 3 और इसका इंडेक्स होगा 4। इस एरे का नाम अगर ए है तो डॉलर ए से बनाए होंगे हम इसको। तो ए के साथ जो इंडेक्स 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अब हमको इसमें से क्या करना है? सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना है। मान लीजिए लार्जेस्ट एलिमेंट ये है, ये हमको दिख रहा है, लेकिन कंप्यूटर में इसको कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमको इसका क्या करना होगा? ट्रैवर्स करना होगा। ट्रैवर्स का मतलब है 0 टू एन माइनस 1, यानी कि लास्ट एलिमेंट जो है वहाँ तक एक एक करके मेम्बर्स को एक्सेस करना होगा। तो आपको अगर मैं बोलूं कि इसमें से सबसे बड़ा एलिमेंट कौन है, कैसे निकालेंगे आप? तो आपके पास एक कंसेप्ट होता है। ये कंसेप्ट कुछ इस तरीके से काम करता है। हम एक छोटा सा ब्लैंक बॉक्स लेंगे, ब्लैंक बॉक्स में सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पर सेव कर देंगे। क्लियर है? जब भी हमको बड़ी वैल्यू निकालनी होती है तो सबसे छोटी वैल्यू उसको से स्टार्ट करते हैं, और छोटी वैल्यू निकालनी होती है तो सबसे बड़ी वैल्यू को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे छोटी वैल्यू जो है वो होती है फिलहाल 0, अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो। और अगर सबसे बड़ी वैल्यू की बात करें तो हमारे पास होता है इनफाइनाइट। क्लियर है? तो अभी फिलहाल हम 0 से काम चलाएंगे। मैंने एक बॉक्स ले लिया और उसमें क्या स्टोर कर दिया है? 0। अब मैं क्या करूँगा? सबसे पहला एलिमेंट निकालूंगा और चेक करूँगा कि क्या ये एलिमेंट इससे बड़ा है। अगर ये इससे बड़ा होगा तो इस एलिमेंट को यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा? मैंने क्या करूंगा, यहाँ पर ये 6 को यहाँ पर रिप्लेस कर दूंगा, तो ये 6 यहाँ पर आ जाएगा, ये 0 हट जाएगा। फिर नेक्स्ट एलिमेंट पर आएंगे, 421। जब भी बड़ा एलिमेंट मिलते जाएगा ना तो मैं इसको यहाँ पर रिप्लेस करते जाऊंगा, 421 आ जाएगा और 6 हट जाएगा यहाँ पर। फिर 3 आएगा, तो 3 इससे बड़ा नहीं है, 421 से छोटा है 3, इसलिए रिप्लेसमेंट नहीं होगी। 2 जो है वो भी बड़ा नहीं है, रिप्लेसमेंट नहीं होगी, और 1 भी जो है वो भी बड़ा नहीं है तो रिप्लेसमेंट नहीं होगी। फाइनली लास्ट में लूप जब ख़त्म होगा तो 421 जो है वो मेरे इस ब्लैंक बॉक्स में होगा और मैं इसको इको कर दूंगा, सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट जो है वो मुझे मिल जाएगा। जस्ट उल्टा हमें करना होगा, मैक्सिमम नंबर लेना होता है, बड़ा नंबर लेकर के हम स्मॉलेस्ट वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? चलिए इसका कोड देखते हैं हम लोग। पीएचपी का कोड सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ पर। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारे पास कुछ स्क्रीन यहाँ पर ओपन है। सबसे पहले तो मैं कंट्रोल पैनल दिखा दूँ। मैंने यहाँ पे कंट्रोल पैनल ओपन कर रखा है और डी ड्राइव में हमारा जैम्प सर्वर एक्टिव है। तो जैम्प को हम ओपन कर लेते हैं। एस टी डॉक में साइन में टेस्ट 2, इसको मैं नोट पैड से ओपन कर लेता हूँ। क्लियर? तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारे पास कुछ 2-3 विंडो ओपन होंगे। चलिए यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूँ कि हमारे पास यहाँ पर 3 विंडो पहले से ओपन है। सबसे पहला तो यहाँ पर ये जैम्प का कंट्रोल पैनल, जो हम जैम्प यहाँ पर सर्वर सॉफ्टवेयर रन कर रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि अपाचे और MySQL को मैंने स्टार्ट कर दिया है। दोनों की सर्विसेज स्टार्ट है पोर्ट नंबर और प्रोसेस ID पर। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अपाचे और MySQL जो है दोनों रनिंग स्टेटस में है। हमारा जैम्प जो है वो डी ड्राइव में इंस्टॉल है।
डी ड्राइव में मैंने एक एचटी डॉक के अंदर, आप देख रहे हैं कि एचटी डॉक के अंदर साई के अंदर मैंने test2.php फाइल यहां पर बनाई है। पिछले किसी क्लास का प्रोग्राम, पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूं और php टैग को हम छोड़ देंगे। यहां पर php टैग आप देख पा रहे हैं कि और यहां पर हम देख पा रहे हैं कि php का टैग है बॉडी के अंदर और हम यहां पर लार्जेस्ट एलिमेंट को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर एक एरे बना लेते हैं। एरे बनाने के लिए हमारे पास सिंटेक्स है कि डॉलर, मैंने एरे का नाम ए रखा है और आप एरे नाम का एक फंक्शन होता है जिसके अंदर आप कोई मल्टीपल एलिमेंट्स दे करके आप एरे क्रिएट कर सकते हैं। मैंने एक एरे क्रिएट कर लिया है और आपको पता है कि इस एरे में लार्जेस्ट एलिमेंट जो है वो 22 है, यानी हमारा आउटपुट में 22 आना चाहिए भले ही उसकी पोजिशन कुछ भी हो एरे में। हमको इसमें से सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट जो है वो फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए मुझे एक लूप चलाना होगा। लूप चलाने के लिए हम वेरिएबल बना लेते हैं i=0 और एक ऐसा वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हम स्मॉलेस्ट वैल्यू रखेंगे। तो हम यहाँ पर रखते हैं t=0। हमको जब भी लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो स्मॉलेस्ट वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। और मान लीजिए इसी में अगर हमको स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, चलिए दोनों काम हम एक साथ कर लेते हैं कि अगर हमको इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैं एक और वैल्यू बनाता हूँ जेड और उसमें लार्जेस्ट वैल्यू मैंने रख दिया। मुझे अंदाजे से, क्योंकि हम इन्फिनिटी तो ले नहीं सकते, चलिए हम यहाँ देख रहे हैं मैंने एक बड़ी वैल्यू दे दी है, इसमें मुझे लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है। तो मैं लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू ऐसे ले लेता हूँ, क्लियर। तो इससे हम स्मॉलेस्ट वैल्यू, सॉरी यहाँ पर मुझे लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है, इसलिए लार्जेस्ट वैल्यू 0 लिया और स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है, स्मॉलेस्ट वैल्यू मैंने 1000। बड़ी से चालू करते हैं और कम करते जाते हैं, इस तरीके से मैं इसको करूँगा। ओके, तो हमें यहाँ पर दो वेरिएबल लिए हैं, एक में हमें लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी थी तो हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू ली है। ये वैल्यू बढ़ते जाएगी और लार्ज, जैसे पहले ये 2 होगी, फिर 5 होगी, फिर कम नहीं होगी, फिर 7 होगी, फिर 22 होगी, देन लास्ट में 22 इसमें बचा रहेगा, कम होते जाएगी। जैसे पहले 2 आ जाएगी, फिर 5 नहीं होगी, 1 होगी, लास्ट में इसमें 1 बचा रहेगा, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं एक लूप चलाऊंगा फॉर डॉलर i=0, क्योंकि हमारा इंडेक्स जो है वो इससे चालू होता है। तो डॉलर आई लेस देन, हमको पता है कि काउंट नाम का एक फंक्शन होता है जिसमें हमको इसकी विड्थ जो है, इस एरे की जो साइज है वो पता चल जाती है। तो मैंने यहाँ पर एरे की साइज दे दी। अगर एरे की साइज यहाँ पर 3, 3, 6, 8 है तो लूप यहाँ से चलेगा 0 to 7 तक चलेगा, क्योंकि ये लेस देन लिखा हुआ है, इसलिए 0 to 7 चलेगा। ये एक एडिशनल फीचर है जो सी और अदर लैंग्वेजेस में नहीं होता है, बल्कि इसमें आपको मिलेगा, पुरानी लैंग्वेजेस में नहीं मिलेगा। और ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि मैं डॉलर आई प्लस प्लस कर दे रहा हूँ, ये लूप मेरा चल गया है 0 to 7, जो भी इसकी साइज होगी। मैं यहाँ पर साइज बढ़ाते जाऊँगा कभी भी, और वो इस तरीके से अपने आप, यहाँ पर मुझे चेंज नहीं करना पड़ेगा, अपने आप ये साइज बढ़ते जाएगी और अपने आप ये एडजस्ट होता जाएगा, क्लियर है। तो अब यहाँ पर हम लूप चलाते हैं, यहाँ पर कंडीशन लिखेंगे इफ। अगर मैं इफ में लिखता हूँ कि जो मेरी वैल्यू है, मान लीजिए मेरी जो वैल्यू है वो पहली वैल्यू क्या होगी डॉलर ए और पहली वैल्यू क्या होगी डॉलर आई, तो लूप में पहली बार जब लूप चलेगा तो आई की वैल्यू 0 होगी, देन 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, तो A0 इसको हम बोलेंगे, A0 यानी पहली वैल्यू। सेकेंड लूप में ये A1 हो जाएगा, आई की जगह क्या हो जाएगा 1 यानी कि ये वाली वैल्यू, फिर 2 हो जाएगा, फिर ये वाली वैल्यू, ये यहाँ से लेके यहाँ तक लास्ट तक चलेगा, है ना। अगर ये वैल्यू इससे बड़ी होती है, ग्रेटर देन डॉलर एल से, डॉलर एल से बड़ी हो जाती है, जैसे ये 0 है तो 2 आया, 2 इससे बड़ा होगा तो ये इसको रिप्लेस कर देगा, 2 आ जाएगा, ऐसा होना है। तो अगर ये इससे बड़ी होती है तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे, कैसे करेंगे, डॉलर एल में जो है वो ये वाली वैल्यू सेट हो जाएगी, अगर बड़ी है तब, छोटी होगी तब नहीं होगी, ठीक है।
और जस्ट उल्टा क्या होगा, अगर मैं बोलूं कि स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालना है, तो अगर ए डॉलर की वैल्यू जो है वो लेस देन होगी इससे, जस्ट उल्टा कर दिया मैंने, लेस देन होगी तो क्या होगा, डॉलर एस में ये वैल्यू सेट हो जाएगी। क्लियर है? तो ये जस्ट उल्टा दोनों प्रोसेस कर रहे हैं हम एक साथ, है ना। पूरा लूप खत्म होने के बाद सबसे बड़ी वैल्यू इसमें और सबसे छोटी वैल्यू इसमें आ जाएगी। अब मैं इको कर सकता हूँ यहाँ पर, इको इज, मैंने यहाँ पर लार्जेस्ट वैल्यू इज और डॉट से कॉन्केटिनेट करते हैं, ठीक है। तो कॉन्केटिनेट का मतलब आपको पता है, एक और एक अगर 11 हो जाते हैं तो वो कॉन्केटिनेशन कहलाता है, ठीक है। तो ये आपका कॉन्केटिनेशन हो रहा है और लार्जेस्ट वैल्यू किसके अंदर आई है, एल के अंदर, ठीक है। उसके बाद मैं इको में बी आर कर देता हूँ ताकि लाइन चेंज हो जाए, बी आर आप उसी लाइन पर भी लिख सकते हैं। फिर इको मैंने किया और यहाँ पर लिखा है स्मॉलेस्ट वैल्यू इज और यहाँ पर हमारा खत्म हुआ, डॉट लगाए डॉलर एस, स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो रही है। अब मैं इसको सेव करता हूँ और हम ये असाइनमेंट को रन कर लेते हैं। यहाँ पर मैं कुछ बॉडी में हेडर हेडिंग में प्रिंट भी कर देता हूँ, एच वन टैग में असाइनमेंट नंबर, आपका क्या था ये, असाइनमेंट नंबर 38 हम प्रिंट कर दे रहे हैं यहाँ पर। चलिए इसको रन करके देखते हैं, हमारा जो लोकल होस्ट है उसमें रन करेंगे हम। असाइनमेंट नंबर 38 में देखिए लार्जेस्ट वैल्यू हमारी आ रही है 67 और स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या आ रही है, 1। अब देखिए मैं यहाँ पर एडिट करने जा रहा हूँ, एडिट कैसे कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं 67 लार्जेस्ट वैल्यू थी, मैं यहाँ पर एक और वैल्यू बढ़ा देता हूँ, जैसे 33 और एक और बढ़ा देता हूँ 123 और एक और बढ़ा देता हूँ 76। मैंने वैल्यू और बढ़ा दी और एक लास्ट में एक और वैल्यू लिख देता हूँ मैं, माइनस 4। स्मॉलेस्ट वैल्यू और लार्जेस्ट वैल्यू अब आपके पास यहाँ पर आएगी। तो मैंने जब किया तो देखिए रन करने पर आया लार्जेस्ट वैल्यू 123 और स्मॉलेस्ट वैल्यू जो आया माइनस 4। आप इस लिस्ट में देख पा रहे हैं कि लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या क्या है। इसमें लार्जेस्ट वैल्यू है 123 और स्मॉलेस्ट वैल्यू है माइनस 4। तो वो इस तरीके से कैलकुलेट कर लेता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमें कोई चीज़ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है चेंज करने की, क्योंकि इसकी विड्थ अपने आप वो कैलकुलेट कर ले रहा है। क्लियर? तो ये था असाइनमेंट नंबर आपका 38। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो।